Excuse me, ma'am. Could we attend? Ma'am, here? Madam, here? Madam, here? Madam, here? Madam, here? Madam, शिल्पा जी सामने एकदम, शिल्पा जी सामने एकदम, शिल्पा मैम यहाँ पे गाड़ी पीछे जा, आगे जाना, शिल्पा मैम यहाँ पे टर्न, आपके राइट से, आपके राइट से शिल्पा जी एकदम सामने, मैम यो अरे काय करते तुम्ही ना अरे नरम गए टाइम पूछे मार मार भाई उधर तक आई नो इधर तक आते हैं उसको कट आउट टू द राइट साइड आई हैव पुट अप फॉर फोटो सर मैं मैं फोटो सर ऐसे करो शिल्पा जी यहां मैम स्ट्रेट शिल्पा जी शिल्पा जी शिल्पा जी बनो यहां शिल्पा जी शिल्पा जी थोड़ा
Center.
चलो रोल चलो रोल रोल अरे शिल्पा जी सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है टायर में क्या कहना चाहेंगे टायर जो है अभी अटायर के बारे में मुझे इतना नहीं बोलना है लेकिन मैं आज पहन रही हूँ पायल सिंगल के अटायर को और मैं आज सच दच के आई हूँ अपने दोस्त के लिए क्योंकि वो बहुत दिल से आर्ट बनाती हैं और जो भी करती हैं बहुत दिल से करती हैं मैं मेरा इनके साथ जो ताल्लुक रहा है वो बहुत समय से रहा है तो आई रियली लव अनु तो हम एक दूसरे को जानते हैं आई थिंक करीबन 10 साल हो गए और हमने एक्चुअली हाथ से हाथ मिला जो एड्स अवेयरनेस के लिए एक वीडियो शूट किया था वो उनकी हाँ एग्जैक्टली सो वी हैड डन अ होल डॉक्यूमेंट्री फॉर बीबीसी और वो उनकी डायरेक्टर रह चुकी हैं हमारी मेरी डायरेक्टर रह चुकी है तो वहाँ से डायरेक्टर से सडनली आर्टिस्ट जो बनी है ये मुझे ये ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगा है एंड शी इज रियली डन सम ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड राइटफुल है इस एग्जीबिशन को आर्ट एंड सोल बुलाना सो आई जस्ट हैड टू शो हर माय सॉलिडैरिटी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और कंटेम्प्रेरी आर्ट है हाँ बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ऐसा है कि आप जरा देखेंगे ना पेंटिंग्स को तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा जो आपके दिल आप और माइंड में इसको तो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन मुझे डक नजर आ रहा है ना तो ऐसे ऐसे होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कि आपके जो दिल और दिमाग के अंदर होता है वो आपको दिखाई देगा और आप कभी बोर नहीं हो सकते क्योंकि आप कोई पेंटिंग को जैसे मेमोराइज कर सकते हैं इन पेंटिंग्स को आप मेमोराइज नहीं कर सकते आपको देख के हर टाइम नया लगेगा हर टाइम इसमें मूवमेंट लगेगा आपको डायनामिक लगेगा और कलरफुल लगेगा सलमान पेंटिंग एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वन ही हैड गिफ्टेड मी ही एक्चुअली गिफ्टेड माय मदर ही नेवर गिफ्टेड मी अ पेंटिंग बट ही हैड पेंटेड अ गणपति कमिंग ऑन टू द बोट तो विसर्जन के बाद उनका जो परसेप्शन था और थॉट था कि गणपति एक्चुअली कम्स ऑन टू द बोट एंड कम्स बैक इनटू आवर हाउस ओके सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग या डू यू हैव एनी सच क्रिएटिव इंक्लिनेशंस नो नो आई एम नॉट सो अब वो इतना सारा कर रही है फिल्म्स करती हैं अभी वीडियो इतना सारा करते हैं नहीं नहीं फैशन नहीं फैशन करते हैं तो ये क्रिएटिविटी तो है उसके साथ ये प्रॉब्लम है उनको बताना नहीं चाहिए कुछ भी नहीं बट आप से किताब लिखी है अभी योगा करती है सब क्रिएटिविटी तो है और क्या है हाँ मैं पेंट करती हूँ अपने फेस को नहीं मेरी मेकअप आप लोग ऑब्वियसली आएंगे आप लोगों ने मेरे हर जर्नी में मेरा साथ दिया है तो आई डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट प्री दिवाली बनाना बिग सरप्राइज एंड इट विल बी अ ग्रेट गिफ्ट टू the entertainment industry and the people shilpa ji aakhri sawal diwali bhi aa rahi hai to kya kuch special plan karti hain aap kya kuch plan hai aapke diwali ke liye jaise sab log plan karte hain wahi hamare ghar mein lakshmi puja hota hai aur diwali ki party hum rakhte hain to वो एक पार्टी होती है जहाँ पे मैं सारे अपने फ्रेंड्स को राज के फ्रेंड्स को बुलाती हूँ और मैं बहुत मतलब मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ Simran is here. Simran, please come. Thank you.
being here today to welcome Shilpa ji. She is very kind. She has associated with her work in HIV and AIDS, raising awareness and helping patients. Their project, Anu's project and Shilpa's project, Aaj Se Haath Mila, gave them the opportunity to become soul sisters. And that's the reason that she has very kindly consented to be here today. When Anu was introduced to me by a very close friend and art curator, I tried to understand what makes this lady tick. I googled her, I stalked her almost, but I couldn't get an answer to that. Not until I had seen her paintings. From being a very successful and very sensitive documentary filmmaker, Anu has won 16 international and national awards for her work. She has explored the art and the culture of forgotten civilizations, of forgotten cities and countries like the Nagaland, like Arunachal Pradesh, even doing a film on the Maharaja of Jodhpur and on the shamans of Himalayas. I have to confess, Arun, I had no idea about the shamans. So from being highly intrigued, I realized that the subject of my intrigue is a dichotomy. She's curious, she's magical, she's mystical, she's exuberant, she's joyous, and she is truly passionate. I now call her Anu Passion Maluti. You take 2 minutes after we have spoken to look at any one work, you will know exactly what I'm talking about. Her colors, her forms, her shapes, they know no boundaries, and they are leaping from the canvas. So again, thank you for being here. I'm going to hand over the mic to Anu to just give you a little bit more of an insight into her magic. Thank you. Thank you all for being here. I think my work speaks for itself. If you want to know a little bit more, just take a look at the video, and that will give you an idea. But today I'd like to talk more about Shilpa's foundation. I'm really pleased that after 7 years of working on HIV, Shilpa has started this foundation to help people with HIV. So that is why this inclusion is important for us. And that's what we should do for giving rent in such a big way. And I'm going to hand the mic over to her so she can tell you a little bit more about the foundation. Very good evening to everyone present. I think today is about celebrating and your creative facet. And nothing surprises me with you, Anu, because I know whatever you put your hands into, literally, you will do it and give it your best. So when you, I've already seen few proud owners of 2 pieces. I put up the second piece today on my wall, and I've been very, very proud and very happy when I see that painting. Proud because my friend who's made this really beautiful piece of art, given to me with a lot of love, and happy because it really makes my heart happy. Because it was a first time, it's a very joyful painting, and it's like this tree of life and laden with fruit, and it has so many connotations. But when she told me that she'll have this exhibition in Mumbai, I made sure she made me block the date like 2 months in advance, so I couldn't be staying. And she made me trek. I just can't go out to Delhi in this much, but I just want to be staying me 2.5 hours. But it's all nice, perfect. I know, and I really congratulate you. I think you are so talented. You deserve much more in terms of accolades. I'm very happy I could be here, and I feel very happy that you are very generous. And I never really talk about my charity, but since
you have worked with me and you understood that I've been very passionate about the awareness of HIV and AIDS, I've taken to my stride to start this Shilpa Shetty Foundation with my husband to kind of create that awareness and do something for my end. And I told you about it, and you were very kind and said that you would give the proceeds to the foundation. So I feel very, very happy, and I feel elated that you feel me. And we're just going to play a little video of 3 minutes from Hatsyatmila. So you can see 10 years ago how Shilpa actually met and spent time with an HIV person in all the way in UTP. So if you come into that room, we'll play the video for all of you. I just want to be a picture. This to you. It's a huge communications project that seeks to link various media platforms. Thank you.
समावेश किया हुआ है वो देख के बड़ा ही प्लीजिंग है और बड़े डिफरेंट कलर हर पेंटिंग में अलग तरह की कलर स्कीम है. आप कई पेंटिंग में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हैं, कई ग्रीन येलो और रेड का जो कलर्स आपस में नहीं भी मिलते उनका भी बहुत अच्छे से समावेश है. कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं और कई बहुत अच्छे से मिल रहे हैं. सो ये देख के बड़ा प्लीजिंग लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है. मैं अभी वही देख ही रहा हूँ उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ. फ्रैंकली इतना बहुत नॉलेज नहीं है मुझे, बट द कॉम्बिनेशन चंदन इज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, इज एन अमेजिंग पेंटर हिमसेल्फ. तो चंदन आप समझाओ. जैसे मैं अभी इनकी पेंटिंग्स देखी मैंने, सो इसमें एक बड़ा एक अच्छा एक रिदम इन्होंने सेट किया हुआ है कलर्स के साथ. चाहे उसमें आपको वो पहाड़ बनाए हैं लेकिन पहाड़ ऐसे रियलिस्टिक होंगे नहीं, सो दिस इज़ सेमी रियलिस्टिक. तो इन्होंने एक फ्लो को इस तरह से सेट किया है कि वो एक रिदम में है और हर पेंटिंग में एक पेंटिंग को देखोगे तो एक पेंटिंग में मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स हैं. सो ये एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल है जो मैंने इनके अंदर देखा. और आप किसी भी पेंटिंग को देख लो, हर पेंटिंग में एक स्टाइल आपको नज़र आएगा. और लेकिन एक स्टाइल होने के बावजूद भी उसमें हज़ारों लाखों पेंटिंग्स मिलेंगी. जैसे आप ये पेंटिंग देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी पेंटिंग है, एक बड़ी. लेकिन आप इस पैच को खाली देखें, ये अपने आप में एक पेंटिंग है. अगर आप इसका एक फ्रेम बनाएं तो ये अपने आप में एक पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है. सो देर आर मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स इन वन पेंटिंग. सो ऐसे ही आप जितना भी वो देखें, एक
جیسے ایک کمال کا ٹیکسچر کریٹ کیا انہوں نے. سو آئی ریئلی لائک دا آل دا پینٹنگ. تو جیسے وہ پینٹنگ کے سامنے وہ اس میں بھی آپ سیم اس طرح کا ہی ردم دیکھیں گے. سو ایک بڑا ہی اچھا جیسے بندے کے ڈریمز آتے ہیں نا جس طرح سے, تو بالکل ویسا والا انہوں نے فلو کریٹ کیا ہے. سو اٹس ریئلی ویری بیوٹیفل. علی بھائی پینٹنگ کرنا زیادہ ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے یا کامیڈی؟ اپنے حساب سے دونوں ڈیفیکلٹ ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ ہیں, دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ڈیفیکلٹ ہیں. سر یہ آرٹ ہے, یہ کریٹیویٹی ہے. کریٹیویٹی اس کو کریٹ کرنا بہت مشکل ہے, اینڈ جو کرتے ہیں ان کو ہمارا سلام. جی بالکل, یہ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے نا. جیسے ابھی جانی لیور صاحب ایم ایف حسین صاحب کا کام کریں گے تو وہ کر نہیں سکتے, اب ایم ایف حسین صاحب جانی لیور صاحب کا کام نہیں کر سکتے, ہے نا. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یہ. سو باقی بہت اچھا کام ہے, بہت ویری 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 بیوٹیفل پینٹنگس ہے. تھیم مطلب فرسٹ ٹائم مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ سارے پینٹنگس کے جو ہے وہ ہے ایک ہی انداز میں. جی جی بالکل, اور اتنے کلرز بھی ہوتے ہیں, اتنے کلرز کے کمبینیشنس بھی ہوتے ہیں. ابھی یہ اس میں علی بھائی ابھی ایک چیز آپ بھی نوٹ کریں گے کہ اتنی ساری پینٹنگز ہیں لیکن ہر پینٹنگ میں آپ کو اس کی مہک آئے گی دوسری پینٹنگ کی, اور ہر آرٹسٹ کا ایک اسٹائل ہوتا ہے. یہ پینٹنگ آپ کہیں بھی لگی ہوئی دیکھ لیں گے نا تو آپ فٹ سے پہچان جائیں گے یہ پینٹنگ اس آرٹسٹ کی ہے, تو ایک وہ اسٹائل ضرور نظر آئے گا. سو ہر پینٹنگ میں انہوں نے یہ چیز کریٹ کی ہے. سو بہت بڑھیا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. میں نے ایکچولی آئی ہیو جسٹ واکڈ ان تو میں دیکھ رہی ہوں. ایکچولی مجھے کلرس بہت پسند آ رہے ہیں, میں کلرس کی بہت فین ہوں, مجھے ہر قسم کے کلرس پسند آتے ہیں. کبھی بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے, میں چن نہیں پاتی ہوں. So I guess this is the perfect art exhibition for me because yahan par sare hi colors hain. So matlab jo different different painting hai uske bare mein kya kahenge, kyunki mujhe bhi zyada kuch samajh nahi aaya. Dekhiye the thing is art bahut perceptive hai, aap jo samajhna chahe aap uske liye samajh sakte hain. For me I just like it that the expression is vast. Yahan par ek bahut hi open scape hai to understand it the way you want it to understand it. To isliye mujhe کلرز بہت پسند آ رہے ہیں. ایچ پینٹنگ از ویری نائسلی, آئی تھنک بیلنس جو ہے کلرز کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں کہ بس کلر یو نو ڈالا ہوا ہے. ایگزیکٹلی ایوری تھنگ ہیز اے میننگ, ایوری تھنگ از سیئنگ سم تھنگ. میں انو جی کو انو ماسی کی طرح جانتی ہوں کیونکہ وہ میری بیسٹ فرینڈس کی ماسی ہیں. شی از اے ورسٹائل پرسن, وہ صرف یہی نہیں کرتی ہیں, وہ اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں. شوز بناتی ہیں, ڈاکیومنٹریز بناتی ہیں, شی از ملٹی ٹیلنٹیڈ اینڈ آئی ول آلویز بی دیئر ٹو سپورٹ ہر. تھینک یو.